Hi everyone. Now in this lesson we are going to discuss about the Reptilia, and we will discuss everything of this topic, that are the general characters and classifications of this topic, and we have to classify up to the orders, and later we have to see about the examples, and we will see every aspect of this topic. And still, after watching this video, you will have any type of query regarding this topic, you can ask me in the comment sections. I will try to resolve your queries. That's all. Let's come on the screen and record the sessions. That is Reptilia. And first we have to see something about the Reptilia. Later we will the general characters and the classifications. That is, reptile represents the first class of vertebrates. जो reptiles होते हैं वो first class होते हैं vertebrates के, जो कि क्या represent करते हैं, fully adapted for life in dry place or land, यानी कि पूरी तरह से adapt कर लेते हैं अपने आप को dry place यानी सूखे जगह पर या फिर ज़मीन पर अपने आप को पूरी तरह से adapt कर लेते हैं. The characters of reptiles are in fact as a combination of characters that are found in the fish and amphibians on the other hand, in the birds and mammals on the other hand. जो भी characters होंगे reptiles के वो क्या होते हैं, characters combination होते हैं, यानी कि combine करके बने होते हैं. किसका, जो कि fish यानी जो मछली होते हैं या फिर amphibians में पाए जाते हैं जो characters, उसी प्रकार से दूसरे हाथ पे हम लोग देखेंगे कि birds जो पक्षी होते हैं, mammals यानी स्तनधारी प्राणी, दोनों के सेम होते हैं, कम्बिनेशन करके बने होते हैं. ठीक है. द क्लास नेम रेफर्स टू द मोड ऑफ लोकोमोशन. जो क्लास नेम जो हम लोग रेफर करते हैं रेप्टेलिया को, ये किसके रेफर करता है, ये मोड ऑफ लोकोमोशन होता है जिनका इन पे. एंड द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हिपेटोटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी. ओके, ये एग्जाम इनका हो गया. इनके बारे में आप देखते हैं जनरल करेक्टर्स के बारे में. ठीक है. एंड हेयर इज फर्स्ट, डेट इज प्रीडोमिनेंटली टेरेस्टेरियल. ये क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं. क्रीपिंग और बोरोइंग, क्रीपिंग मतलब क्या होता है, रेंगते हुए चलते हैं, या फिर बोरोइंग यानी जमीन के अंदर रहते हैं. ठीक है. मोस्टली क्या होते हैं, वो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, या फिर एयर ब्रीथिंग करते हैं यानी हवा में सांस लेते हैं, या फिर कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं जो कि ओविपोरस होते हैं, और ट्रॉपिकल टेट्रापोडल वर्टिब्रेट्स एनिमल ही आते हैं इनमें. ठीक है. बॉडी देखते हैं वो क्या होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकल यानी दो भाग में इनके बॉडी को हम लोग बांट सकते हैं, और डिविजिबल होता है इनमें चार रीजन में, जैसे फर्स्ट होता है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ये चार डिवीजन होता है इनका बॉडी का. ठीक है. एंड लिम्स होते हैं दो पेयर्स होते हैं, चार होते हैं, या फिर पेंटाडेक्टाइल कहा जाता है लिम्स को. और इनका एक्सोस्केलेटन होता है वो हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स से बना होता है जो कि शील्डेड फॉर्म में होता है, और इसमें प्लेट्स और स्कर्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं. स्किन होता है ड्राई होता है यानी सूखा होता है. कन्फाइंड एंड डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, इनमें डिवॉइड्स होते हैं, ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं. माउथ होता है वो टर्मिनल इंड पे प्रेजेंट होता है, जैसे सांप को हम लोग देखते हैं, इनके रेप्टाइल्स के एग्जांपल में सांप होते हैं, उनका माउथ कैसे होता है, इनमें टर्मिनल इंड पे प्रेजेंट होता है. जॉ भी सिंपल कॉनिकल टीथ, जॉ जो होते हैं जबड़ा होता है उनमें सिंपल कॉनिकल टीथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंटरनल टीथ रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बिक्स. जो टर्टल में टीथ होता है, दांत होता है, वो हॉर्नी बिक्स यानी कि बिक्स मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, चोंच बोलते हैं, जो उसमें कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, रिप्लेस किया जाता है. एंड एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स इन टू ए क्लोकल अपरेचर. एलिमेंट्री कैनाल होता है टर्मिनेट्स यानी इंड कहाँ होता है, क्लोकल अपरेचर में. ठीक है. इंडोस्केलेटन बोनी होता है, इंडोस्केलेटन जो होता है बोनी होता है यानी कि हड्डी हड्डी का बना होता है. ए करेक्टरिस्टिक टी सेप्ट इंट्रा क्लेवाइड प्रेजेंट, एक करेक्टरिस्टिक होता है जो कि टी सेप्ट का इंट्रा क्लेवाइड होता है वो प्रेजेंट होता है. हार्ट होता है तीन चैम्बर बना होता है, या फिर चार चैम्बर होता है जो कि क्रोकोडाइल्स में होता है. सिनस वेनस रिड्यूस, सिनस वेना होता है वो रिड्यूस होता है. आरबीसी जो होते हैं वो ओवल शेप्ड का होता है और न्यूक्लेटेड होता है, इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है. रेस्पिरेशन बाय लंग्स थ्रू आउट लाइफ, यानी पूरी जिंदगी अपने सांस सांस लेते हैं वो लंग्स यानी फेफड़े द्वारा लेते हैं. किडनीज होता है जो मेटामॉर्फिक फॉर्म में होता है. एक्सक्रीशन होता है जो यूरिकोटोलिक होते हैं. ब्रेन होता है उसमें मोटर डेवलपमेंट होता है जो कि सेरिब्रम का, जो कि एम्फीबिया में होता है. और कैरनियल नर्व्स होते हैं वो 12 जोड़े यानी कि 24 नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं. लेटरल लाइन सिस्टम अब्सेंस, लेटरल लाइन सिस्टम होता है वो अब्सेंट होता है. और जैकोब्सन्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ माउथ, जैकोब्सन ऑर्गन होते हैं जो माउथ के रूफ होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं. सेक्सेस होते हैं वो जो सेपरेट होते हैं, मेल पेरेंट्स अलग होते हैं. मेल यूजुअली विथ मस्कुलर कोपुलेटरी ऑर्गन, जो मेल में होते हैं उनमें मस्कुलर कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है. फर्टिलाइजेशन जो तो इंटरनल इनकी आंतरिक रिसेप्शन होता है, और मोस्टली ओविपोरस यानी कि अंडे देने वाले होते हैं. पैरेंटल केयर होता है इसमें अब्सेंट होता है, यूजुअली अब्सेंट होता है. ठीक है. नाउ इनका आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं. जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट हैव टू चेंज दिस पोर्शंस. देखते हैं इनका क्लासिफिकेशंस. ठीक है. कलर सिलेक्शन, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, जस्ट वन सेकेंड. या इट्स वर्किंग.
That is क्लासिफिकेशंस. देर आर मोर देन 7,000 लिविंग एंड सेवरल एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स. यानी कि 7,000 से ज़्यादा इनके लिविंग स्पीसीज होता है, जो कि बहुत सारे स्पीसीज जो होते हैं रेप्टाइल्स को एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं. द क्लास रेप्टेलिया इज डिवाइडेड इंटू 5 मेजर ग्रुप्स और सब क्लास. जो क्लास रेप्टेलिया है वो 5 मेजर ग्रुप्स या फिर सब क्लास में फटा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टन ओपनिंग्स थ्रू पोस्टरल और टेम्पोरल रीजन ऑफ स्कल. किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, यानी कि उपस्थिति और अनुपस्थिति होता है जो सर्टन ओपनिंग्स होता है, जो कि पैरेंट पोस्टोलेटरल होता है या फिर टेम्पोरल रीजन होता है स्कल का, इसके आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, 5 क्लास में किया गया. तो हम लोग पहला क्लास देखते हैं. फर्स्ट क्लास इज द एनास्पीडा. एनास्पीडा, ठीक है, एनास्पीडा. ये प्रिमिटिव रेप्टाइल्स होते हैं जो कि सॉलिड स्कल रूफ होता है इनमें. इनमें कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होता है. इनका ऑर्डर देखते हैं. ऑर्डर फर्स्ट इज द चेलोनिया, डैट इज द ट्यूसो टेस्टू डिनाटा. ठीक है, इनके ग्रीक वर्ड में चेलोनी मतलब होता है टर्टल, और लैटिन वर्ड में देखते हैं टेस्टूटो का मतलब ये होता है टर्टल. ठीक है, इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं. इनका सारा कैरेक्टरिस्टिक फिर एग्जाम्पल देखेंगे. डैट इज बॉडी होता है शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और ब्रूड होता है और ओवल शेप का होता है. लिम्स होता है लिम्स होता है वो क्लाउड होते हैं, एंड और वेब्ड पैडल लाइक होते हैं. इनकी पैडल लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है. नो स्टर्नम इज फाउंड, इनमें कोई भी स्टर्नम प्रेजेंट नहीं होता है. टीथ होते हैं एब्सेंट, इन दांत होते हैं जो एब्सेंट होता है. जॉज विथ हॉर्निसित, जॉज इन जबड़े होते हैं जो हॉर्निसित जैसे होते हैं. कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है वो सिंगल एंड सिंपल, यानी एक होता है सिंगल एंड एक होता है, मतलब सिंगल एक होता है और सिंपल होता है, बहुत प्रिमिटिव टाइप का होते हैं. ठीक है, नाउ अबाउट 400 स्पीसीज ऑफ मेरीन टर्टल्स, फ्रेश वाटर टेरिपियंस एंड टेरेस्ट्रियल ट्रोटोवाइज. यानी कि इनमें कितने स्पीसीज आते हैं, 400 स्पीसीज आते हैं, जैसे कि मेरीन टर्टल्स यानी कि समुद्री कछुए, और फ्रेश वाटर टेरिपियंस या फिर टेरेस्ट्रियल ट्रोटोवाइज कछुए आते हैं इनमें. ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग. एग्जाम्पल के अनुसार आते हैं इनमें चिलोनी यानी ट्रायमेंसस और टेस्ट्यूटो और थ्रैनुक्स और डरमेचुलस इनके एग्जाम्पल है. इटीसी लार्ट्स में आप लोग लिख सकते हैं. इटीसी यानी बहुत सारे एनिमल आते हैं इनमें. ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट इज द सब क्लास 2, डैट इज यूरिस्पीडा. इनको हम लोग एक्सटिंक्ट मानते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. इनका एग्जांपल देख लेते हैं, इनका करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कुछ. स्कल विथ ए सिंगल डोर्सो लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग. स्कल जो होता है इनमें डोर्सो लेटरल होता है. ठीक है, डोर्सो लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग होता है ऑन आइदर साइड, यानी दोनों साइड में होता है. बाउंडेड बिलो, बाउंडेड होता है इनकी बिलो टाइप होता है, जो कि पोस्टरल और स्क्वामोसल बोन्स द्वारा इनमें दिखा जाता है. सब क्लास 3 इज दैट इज द पारास्पीडा. ठीक है, पारोपोडा, जो कि ये भी एक्सटिंक्ट एनिमल है. ठीक है, इनके बारे में देखते हैं. स्कल विथ ए सिंगल डोर्सो लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग ऑन आइदर साइड. इनका भी स्कल होता है डोर्सो लेटरल होता है, जो कि टेम्पोरल ओपनिंग होता है, जो कि दोनों साइड प्रेजेंट होता है, जो कि बाउंडेड किसके द्वारा रहता है, किसके नीचे, ये सुप्रा टेम्पोरल एंड पोस्ट फ्रंटल बोन्स द्वारा ये नीचे में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये भी एक्सटिंक्ट एनिमल में माने जाते हैं. ठीक है, एंड नाउ द नेक्स्ट डैट इज़ 4 क्लास, डैट इज क्लास सब क्लास 4, डैट इज़ द साइनास्पीडा, जो भी ये भी एक्सटिंक्ट एनिमल माने जाते हैं. ठीक है, इनका स्कल कैसा होता है, वो सिंगल लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग होता है, जो कि दोनों साइड खुलता है, और ये बाउंडेड होते हैं किसके, इसके ऊपर होते हैं पोस्टरऑर्बिटल एंड स्क्वामोसल बोन्स के, ये ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट क्लास इज दैट इज सब क्लास 5, डैट इज डायस्पीडा. इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग. स्कल्स विथ 2 टेम्पोरल ओपनिंग, स्कल्स होते हैं उनमें 2 टेम्पोरल ओपनिंग होते हैं ऑन आइदर साइड, ये दोनों साइड होते हैं, सेपरेटेड बाय द बार ऑफ पोस्ट्रो एंड स्क्वामोसल बोन्स, जो कि इनके बीच में क्या होता है, पोस्ट्रो बाइटल एंड स्क्वामोसल बोन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसके द्वारा, ये सेपरेट होते हैं एक साइड अदर, एक साइड अदर. ठीक है, एंड इनका ऑर्डर 2 देखते हैं. डैट इज द रैंचोसिफेलिया. रैंचोसिफेलिया लैटिन वर्ड में होता है रैंचोस मतलब होता है स्नॉट, और ग्रीक वर्ड में होता है सिफेली मतलब होता है हेड. के बारे में देखते हैं हम लोग. बॉडी होता है वो स्मॉल होता है, इलोंगेटेड होते हैं, और लिजार्ड लाइक यानी कि छिपकली के तरह के होते हैं. लिम्स होता है वो पॉइंटा डक्टल होते हैं, और क्लॉड एंड द बोरोइंग यानी कि जमीन के अंदर छेद करके रहते हैं. टीथ होता है वो एक्रोडोंट होते हैं, और क्लोकल एपरेचर ट्रांसवर्स सीजन में इनका प्रेजेंट होता है. हार्ट होता है इनकम्प्लीटली, यानी कि वो पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं होता, और ये 4 चैम्बर्ड होते हैं. इनमें कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है मेल मेंबर्स में. ठीक है, इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं. रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लिविंग स्पीसीज द टुआराटा, टुआटारा और स्पेंडोन, डैट इज द पंकेटम ऑफ न्यूजीलैंड. ये न्यूजीलैंड का स्पीसीज है जिनमें कि ये प्रेजेंट होता है. एंड द सेकंड लास्ट ऑर्डर इज दैट इज द स्क्वायमाटा. स्क्वायमाटा के देखते हैं. स्क्वायमा मतलब होता है स्केल, और स्क्वायमाटस होता है मतलब कि स्केल ही होता है, लैटिन वर्ड है. ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में. ये एडवांस टाइप के होते हैं, स्मॉल टू मीडियम, यानी स्मॉल से लेकर के मीडियम साइज के होते हैं, और ये इलोंगेटेड बॉडी इनका शेप होता है. लिम्स होता है क्लॉड होते हैं, अब्सेंट इन स्नैक, यानी स्नैक में ये अब्सेंट होते हैं, एंड फ्यूज लिजार्ड, और ये कुछ लिजार्ड में ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्कल देखते हैं. स्कल होता है वो डायस्पिड होते हैं, और
क्वाड्रेट मूवेबल होते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। और हार्ट यानी हृदय होता है वो इनकम्प्लीटली होता है, ये भी फोर चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। मेल विथ इवर्सिबल डबल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, मेल होते हैं इनमें डबल कॉपुलेटरी यानी दो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम लोग हेमिपिनियंस कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, लिजार्ड्स होते हैं जो कि क्लाटोस होते हैं, जिसको इगियाना यानी कि लिजार्ड्स के ये प्रजाति में आते हैं। एंड स्नैक्स में आते हैं कौन कौन से, टाइपोलस और पाइथन या फिर बुआ स्नाप सांप के प्रजाति में आते हैं ये सब तीनों, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इनके। एंड द लास्ट ऑर्डर इज दैट इज द क्रोकोडाइलिया, इनके बारे में देखते हैं हम लोग। ग्रीक वर्ड है क्रोकोडाइलस, मतलब होता है क्रोकोडाइल, ठीक है, जो हम लोग मगरमच्छ के नाम से जानते हैं। ये लार्ज साइज होते हैं और कार्निवोरस एंड एक्वेटिक रेप्टाइल्स, लार्ज साइज होते हैं कार्निवोरस एनिमल होते हैं और एक्वेटिक रेप्टाइल्स यानी कि पानी में ये पाए जाते हैं। इनका पूछ होता है लॉन्ग होता है, स्ट्रांग होता है और बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। हार्ट होता है बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट होता है और ये चार चैम्बर्ड का होता है। और क्लोकल अपर्चर होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट में ओपन होता है, मेल में होता है एक मेरिटल इट्राइल ग्रुप पेनिस इनमें प्रेजेंट होता है, इनमें क्रोकोडाइल में, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, इनका दो एग्जांपल है, इट इज़ द क्रोकोडाइलस, इसको क्रोकोडाइल कहा जाता है, और एलिगेटर एनिमल जो कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडे लेसंस, एंड स्टिल यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। एंड देयर इज हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु आर वाचिंग माय वीडियोस फॉर द फर्स्ट टाइम और न्यू माय चैनल, कैन लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल टू बी अपडेटेड फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। दैट्स ऑल।